हेलो फ्रेंड, गुप्ता आर्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप जिस इमारत को देख रहे हैं यह देहरादून का प्रसिद्ध फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ग्रीक रोमन और औपनिवेशिक शैली में बनी महल जैसी यह इमारत शहर के हृदय स्थल घंटाघर से 7 किलोमीटर दूर देहरादून चकराता हाईवे पर स्थित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि FRI की इस महल को जोड़ने या बनाने के लिए चूना पत्थर व उड़द के दाल का मिश्रण का उपयोग किया गया। यही वजह है कि इसकी चमक और मजबूती आज भी इसे सबसे अलग बनाती है। 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले FRI की स्थापना वर्ष 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। वर्ष 1906 में इसकी पुनर्स्थापना कर इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्वरूप दिया गया। राष्ट्रीय धरोहर घोषित की जा चुकी FRI की महल नुमा इस भव्य इमारत को तैयार करने में 6 साल लगे थे। वन क्षेत्र में अपने शोध कार्यों के लिए प्रसिद्ध इस संस्थान को एशिया में अपनी तरह के एकमात्र संस्थान होने का गौरव हासिल है। FRI का संग्रहालय प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहता है। संस्थान के म्यूजियम समेत अन्य हिस्सों को देखने के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित है। यह संग्रहालय 6 भागों में बटा है, जिन्हें पैथोलॉजी संग्रहालय, सामाजिक वानिकी संग्रहालय, वन वर्धन संग्रहालय, लकड़ी संग्रहालय, अकाष्ट वन उत्पाद संग्रहालय व कीट विज्ञान संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। FRI का मुंबई में स्थित भारतीय फिल्म उद्योग से संबंध होने के कारण कई बड़े फिल्म निर्माता FRI परिसर में अपने फिल्मों की शूटिंग कर चुके हैं। इनमें धर्मा प्रोडक्शन की स्टूडेंट ऑफ द ईयर व तिग्मांशु धूलिया की पान सिंह तोमर के अलावा फरिश्ते, रहना है तेरे दिल में, कृष्णा कॉटेज, अरमान, घर का चिराग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, जीनियस जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंगें हुई है। इसके अलावा कई टीवी सीरियल जैसे पहरेदार पिया की या रिश्ता क्या कहलाता है, जिया जले, दुल्हन की शूटिंग भी FRI परिसर में संपन्न हुई है। वन अनुसंधान संस्थान में प्रयोगशालाएं, एक पुस्तकालय, वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति वाटिका, मुद्रण यंत्र और प्रायोगिक मैदानी क्षेत्र है जिन पर वानिकी शोध किया जाता है। FRI के भवन वास्तुकला का नायाब उदाहरण है। भवन का डिजाइन विलियम लूटन्स ने तैयार किया, इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। नवंबर 2013 में जब प्रिंस चार्ल्स FRI पहुंचे तो उन्होंने इसे लंदन में राजशाही के प्रतीक बकिंघम पैलेस से भी खूबसूरत बताया। इसी खूबसूरती के चलते तमाम फिल्में और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग यहाँ होती रहती है। अपनी खूबसूरत आबो हवा के लिए जाना जाने वाला देहरादून शहर लीची व आम के बागीचों और बासमती की महक के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रहा, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें भी देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती हैं। इन्हीं में से एक है वन अनुसंधान संस्थान FRI की मुख्य इमारत। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए विषय पर चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, चर्चा करेंगे। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप तो उसे देखें। नमस्कार।